मैं मानगढ़ पंचायत में तमाम ग्रामवासी को, पंचायत में जितने भी हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ पाए हैं, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई भी है, और आने वाला समय में हो सकता है तो हम लोग बच्चे और गार्जियन, पंचायत सभी एक एकत्रित होकर इसका इस आंदोलन में एकत्रित साथ रहेंगे। जय हिंद। 15 अगस्त 1947, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद रूरल एरियाज़ में कितनी तरक्की हुई है इस बारे में हम जानेंगे। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया हमारे देश में, और इसी के साथ में अभी जुड़े हुए हमारे साथ मुख्य प्रतिनिधि प्रदीप चंद्रवंशी, मुख्य प्रतिनिधि हुए ये मानगढ़ के, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या परेशानी हुआ। ये 74वां 15 अगस्त हम लोग मना रहे हैं, और इस 74वां 15 अगस्त में एक आज़ादी का दिन है। इसमें सभी स्कूल में, कॉलेज में, पंचायत भवन में झंडा फहराया जाता है, और ये एक खुशहाली का भी दिन है। इसमें आपस में भाईचारगी को भी हम लोग निभाते हुए चलते हैं, परंतु एक कोरोना महामारी के चलते इसमें थोड़ा सा कमियां पाई गई है, जिसमें स्कूल के बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं हो सके हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे हमारे काफ़ी नाराज़गी भी महसूस कर रहे हैं, परंतु देखा गया है कि अभी भी फिलहाल इसमें पूरी तरह से सतर्कता बरती नहीं गई है। फिर भी इस आज़ादी के दिन सभी पूरे ग्रामवासी, पूरे पंचायत वासी सभी खुशहाल हैं, और इस दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। पंचायत में कितनी तरक्की हुई है और लोग कितने स्वतंत्र हैं इस वक्त? पंचायत पूर्ण तरह से स्वतंत्र ही है, और जो भी कमी बेसी है उसमें पूरे पंचायत प्रतिनिधिगण, प्रखंड के तमाम 2600 मुखिया इसमें तत्पर तैयार हैं, और कमियां तो आती ही रहती है, लेकिन प्रयास के अनुसार से उन्हें भगाया भी जाता है। और पूरे प्रतिनिधिगण, पूरे पंचायत के मुखिया, जो 26 पंचायत के 26 मुखियागण हैं, इसमें तत्पर तैयार हैं, इनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और जो इस साल तो फिर 26 जनवरी को होने के चांसेस है, कुछ उम्मीद है, क्योंकि बच्चों को लेकर आप एक स्पेशल प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं आज के दिन, तो क्या कहते हैं? बच्चियाँ तो खास करके इसमें बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ खुशहाली मनाती है, उनका कार्यक्रम देखने के लिए उत्साह का भी एक दिन है। अब आने वाला 26 जनवरी में ये महामारी बीमारी से अगर हम लोग लड़ते लड़ते अगर सतर्कता अगर बरतते हैं तो उसका भी आनंद हम लोग लेंगे। बच्चों को हताहत न करते हुए उनके मन में खुशहाली दिया गया है कि आने वाले 26 जनवरी में हम लोग पूरे धूमधाम से प्रोग्राम के साथ इस पर्व को मनाएंगे। ये थे मानगढ़ मुखिया जिनसे हम कुछ बातें की। कहीं ना कहीं बच्चे मिस कर रहे हैं आज के दिन, बच्चे स्कूल्स में जाते थे, और मानगढ़ मुखिया जो एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज करते थे उन बच्चों के लिए, लेकिन इस साल ये नहीं हो सका। हम चाहेंगे कि 26 जनवरी को ये संभव हो सके। ब्यूरो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ अरविंद सौ, सौ न्यूज़।